हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अभी एक्स आरओजी के MIUI 13 एंड्रॉयड 12 बेस्ड पोर्ट रोम के बारे में, जो कि रेडमी K20 प्रो के अंदर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। एंड इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो जो एक्सपीरियंस है इसके साथ में, जो बग्स हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन है गेमिंग के अंदर, उसको मैं शेयर करूंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर से हो सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फोन सेक्शन की, या फिर जो है इसके माय डिवाइस पेज की। तो सबसे पहले देखोगे तो यहां पर आपको जो है अभी एक्स आरओजी एडिशन देखने को मिल जाएगा। MIUI स्टेबल बिल्ड है, 13.0.1 है, पोर्टेड बाय ओमी यहां पर लिखा है। एंड ये जो डिवाइस, जिस डिवाइस से इसको पोर्ट किया वो है फिनिक्स, यानी कि पोको X2 आई गेस। और अगर आप ऑल स्पेक्स के अंदर आओगे, यहां पर आपको एंड्रॉयड वर्जन 12 देखने को मिलेगा, उसके बाद रेडमी K20 प्रो है और मेमोरी एक्सटेंशन वर्किंग है, एंड एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट आपको जो है फेब 2022 से अपडेटेड मिलेगा। जो कर्नल यहां पर यूज किया वो पर्व का है। बैक आएंगे तो आप यहां पर सबसे पहले जो चीज नोटिस करोगे वो है इसका डॉट नॉच, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो सेंटर के अंदर है। तो ये आपको एक बग देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर जितने भी चेंजेस है ना, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, सबके सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुछ के अंदर नए चेंजेस हैं, कुछ के अंदर नहीं मिलेंगे, ये सब चीजें ऑलमोस्ट सभी को पता है। और सबसे पहला जो चेंज है वो है MIUI 13 का लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर, जो कि उतना ज्यादा स्मूथ तो आपको नहीं फील होता, बट हाँ काम चल जाएगा। थोड़े से आपको ऐसे ना ऑप्टिमाइजेशन की कमी लगेगी इसको पुल डाउन करने में, तो यहां पर आई गेस Xiaomi कुछ कर सकता है आने वाले अपडेट्स के अंदर। बाकी फिलहाल अच्छा है, कोई ऐसे मेजर लैग वगैरह आपको यहां पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब इसके बग्स। तो सबसे पहला बग्स, यहां पर आपकी जो रोम है ना वो प्री रूटेड है, जिसकी वजह से आपको यहां पर जो डिवाइस है ना वो नॉट सर्टिफाइड देखने को मिलेगा। सो आप यहां पर चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से, आपका जो डिवाइस है वो नॉट सर्टिफाइड है। और मैं आपको एक चीज और चेक करवा देता हूँ, वाइडबैंड L1 आपको आई गेस यहां पर मिल जाएगा, जो कि आप क्लियरली चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद में यहां पर जो हैप्टिक्स है ना वो आपको फील नहीं होने वाले, हैप्टिक्स आपके डेड हैं। और एक हमने पहले भी एक अभी एक सारोजी के अपडेट का रिव्यू किया था, उसके अंदर जो है पॉपअप कैमरा का बग था, और इसका जो स्टॉक कैमरा है ना वो आप चेक कर सकते हो, ये आपको कैमरा मिलेगा जिसके अंदर कुछ बग्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जो आपका पॉपअप कैमरा वो वर्क नहीं करता। उसके लिए एक आपको ऐप यहां पर मिलेगा, जिसको आप यहां पर लॉक कर लेना, और इसको आप यहां पर रूट की परमिशन ग्रांट करोगे तभी आपका ये वर्क करेगा। सो कुछ इस तरीके से आप इसको यहां पर यूज कर सकते हो, कोई भी आपको वैसे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस तरीके से आप यहां पर जो है पॉपअप कैमरा को यूज कर सकते हो, काफी सारी चीजें हैं वैसे तो ये आपको एक बग यहां पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमें बग देखने को मिलता है वो है ब्राइटनेस के रिगार्डिंग। तो ब्राइटनेस ना बिल्कुल लो नहीं होने वाली, आप चेक कर सकते हो कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है। फिलहाल इसको मैंने जीरो कर रखा है, और आप इसको जैसे ही ना अप करने की कोशिश करोगे तो इमीडिएटली ये रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो एक ये आपको सबसे बड़ा बग देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको लो सेंसिटिविटी फील हो सकती है माइक्रोफोन के अंदर, या फिर माइक के ऊपर। लेफ्ट साइड में आपको यहां पर जो है ये वाला लेटेस्ट एवॉल्ट मिल जाता है, बट जो विजेट स्टोर है ना वो आपको वही देखने को मिलेगा, जो कि इंडियन या फिर ग्लोबल रोम के अंदर होता है। एंड उसके बाद में एक सबसे बड़ा बग जो आपको यहां पर फील हो सकता है वो है इसका AOD या फिर FOD। तो FOD यहां पर मैंने दो ऐड कर रखे हैं। सबसे पहले तो दिक्कत आपको आएगी इसको ऐड करने के अंदर में, क्योंकि यहां पर पार्शियल जो है ये शो करता रहता है, पार्शियल फिंगरप्रिंट डिटेक्टेड, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है इसको ऐड करने में। बट फिलहाल मैंने जैसे तैसे करके ऐड तो कर लिया, बट ये ना अनलॉक एक बार भी नहीं हुआ, दो मैंने यहां पर जो है इसको ऐड कर रखे हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर। सो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर चलेंगे तो फिंगरप्रिंट्स मैंने ऑलरेडी दो ऐड कर रखे हैं, तो यहां पर सबसे जो बड़ा बग आपको मिलेगा ना वो यही आपको मिल सकता है। तो दो फिंगरप्रिंट्स मैंने ऐड करके रखे हैं, बट फिर भी जो चीजें ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। एंड उसके बाद में एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, जो लॉक स्क्रीन है ना, जब आप इसको ऑन करने की कोशिश करोगे, समटाइम्स पावर बटन से आपका जो लॉक स्क्रीन है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, और ये भी बग मैंने यहां पर फेस किया है। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात बाद में करेंगे, बट उससे पहले जो चीजें यहां पर जो जाननी जरूरी है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले बैटरी कंजप्शन की बात करेंगे। सो एक्टिव ड्रेन वैसे मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा ज्यादा ही मिलता है, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं ये एक MIUI रोम है, तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा ज्यादा ही एक्टिव ड्रेन मेरे को देखने को मिला है। वैसे मैंने इसको जो है पहले भी कैप्चर कर रखा है, आप यहां पर चेक कर सकते हो, तो थोड़ा सा ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा, बट अगर आप थोड़े टाइम बाद में 2-3 साइकिल यूज कर लेते हो तो ये थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आइडल ड्रेन 0.90% के आसपास है, जो कि ठीक है वैसे तो, ज्यादा तो आपको नहीं मिलता, बट डीप स्लीप आपका यहां पर काफी अच्छे से वर्किंग है।
चार्जिंग स्पीड के अंदर इशू है, 36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, बट जो स्पीड थी ना वो 2370 मिली एम्पियर के आसपास थी, जो कि आप क्लियरली चेक कर सकते हो। और जो सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ है वो आप चेक करोगे, तो यहाँ पर मैंने गेम टर्बो को ऐड कर रखा है और 91% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है, 2,14,000 के आसपास मैक्सिमम GIPS और एवरेज है 2,01,000 के आसपास। एंड उसके बाद अगर मैं Geekbench 5 के स्कोर्स आपको चेक करवाऊंगा तो वो भी आप क्लियरली चेक कर सकते हो, कुछ ऐसे स्कोर मिलेंगे 740 सिंगल कोर, यहाँ पर ये शो नहीं करता, और 2,566 का आपको मिल जाएगा मल्टी कोर स्कोर। अभी आएंगे पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलती है ना स्मूथनेस के अंदर, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली चेक कर सकते हो। जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है ना वो काफी स्मूथ आपको मिल जाते हैं, एंड ये चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी है। सो जो एनिमेशन के अंदर स्मूथनेस है, जो आपको यहाँ पर जो ना एनिमेशन मिलते हैं ना वो काफी ज्यादा स्टटल आपको मिलेंगे, एंड कोई लैग स्टटरिंग आपको नहीं फील होने वाली, जो कि आप क्लियरली चेक कर सकते हो। बाकी मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह वर्किंग है, एटलीस्ट 2GB तो वर्किंग है, तो उसकी वजह से जो रैम मैनेजमेंट है वो भी आपका काफी हद तक इंप्रूव हो सकता है। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है स्मूथनेस मिल जाएगी। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी लिटरली ना काफ़ी अच्छी है। मैंने यहाँ पर ट्राई किए थे इसके कुछ पहले वाले एंड्रॉयड 11 बेस्ड अपडेट्स, बट वहाँ पर ना उतनी अच्छी या फिर उतनी तगड़ा मेरे को रिस्पांस नहीं मिला था परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कोई ज़्यादा ही बेस्ट रोम आपको नहीं मिलती गेमिंग के लिए, उस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। बट इसके अंदर अगर आप ट्राई करना चाहते हो ना गेमिंग के लिए, तो ये मस्ट रिकमेंडेड है। सबसे पहले जो टेम्परेचर गया वो 41 डिग्री के आसपास मैक्सिमम था, थोड़े टाइम तक खेलने के में उसके साथ स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करने के साथ में, तो टेम्परेचर के लिए मैं बोलना चाहूंगा कोई भी ऐसे मेजर हीटिंग इश्यूज आपको नहीं मिलेंगे। बट अगर आप यहां पर गेमिंग परफॉर्मेंस देखोगे ना 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होने के बावजूद में, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जो टच रिस्पॉन्स आपको मिलता है ना वो काफी अमेजिंग था, एंड उसके साथ अगर आप यहां पर स्मूथनेस देखोगे ना तो वो भी काफी अच्छी है। तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो तो आउटस्टैंडिंग मैं बोलना चाहूंगा इस अपडेट की एटलीस्ट, बट जो बग्स है ना वो भी आपको साथ में झेलने पड़ सकते हैं। सो होपफुली कुछ और अपडेट्स आएंगे और ये जो बग्स है ना वो फिक्स हो जाएंगे, और जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी आपको एटलीस्ट कुछ ऐसी मिल जाएगी आने वाले अपडेट्स के अंदर। तब तक आप जो है वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।